एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को चेतावनी दी कि यदि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया गया और भीड़ भाड़ नहीं रोकी गई तो अगले 6 से 8 सप्ताह में वायरल संक्रमण की अगली लहर देश में दस्तक दे सकती है। गुलेरिया ने कहा कि जब तक बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक कोविड उपयुक्त व्यवहार का आक्रामक तरीके से पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमण के मामले में बड़ी वृद्धि होने पर कड़ी निगरानी और क्षेत्र विशेष में लॉकडाउन होने की आवश्यकता पर जोर दिया। इससे पहले भारत के महामारी विज्ञानियों ने संकेत दिया था कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपरिहार्य है और इसके सितंबर अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। भारत अप्रैल और मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई थी और विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण संकट बढ़ गया था। हालांकि अब संक्रमण के मामलों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई है और संक्रमण दर भी पिछले कई दिनों से घट रही है। अगर हम पिछले 24 घंटों का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस 10 लाख से कम यानी कि 7,98,656 केसेस हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 दिनों में ही देश में, जहां इससे पहले 15 जून को हमने बात की थी तब जहां देश में 9.13 लाख एक्टिव केसेस थे, तो पिछले 3 दिनों में ही 1,14,000 एक्टिव केसेस में कमी आई है। हम देखते हैं तो पाएंगे कि इसी तरीके से रिकवरी रेट में भी देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ नोट की जा रही है। 3 मई के समय पर जहां रिकवरी 81.8% थी, 18 मई तक वह 85% के करीब पहुंची, 27 मई तक 90% और अब वह बढ़ते बढ़ते 96% हो चुकी है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव साइन। पिछले समय पर हमने देखा कि जब हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई तो भी हमारे केस में केस पॉजिटिविटी काफ़ी हाई थी और 30 अप्रैल से 6 मई के उस हफ्ते में जहां की देश में केस पॉजिटिविटी वॉज एज हाई एज 21.6%, हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों में वह घटते हुए औसतन 4% तक पहुंच गई है, यानी कि 81% डिक्रीज सिंस द हाईएस्ट रिपोर्टेड वीकली पॉजिटिविटी ऑफ 21.6%। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि पिछले 24 घंटे में देश की क्या केस पॉजिटिविटी रही है तो वह एज लो एज 3.24% नोट की गई है। हम अगर देखें कि ऐसे कितने जिले थे देश में जिसमें कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो जहां 30 अप्रैल से 6 मई वाले हफ्ते में देश में ऐसे 103 जिले थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 मई से 27 मई वाले हफ्ते में 290 जिले हुए और अब अगर हम पिछले 11 जून से 17 जून के हफ्ते को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि 513 जिले ऐसे हैं जहां पर की ओवरऑल केस पॉजिटिविटी इज लेस देन 5%। एम्स के निदेशक ने कहा कि यदि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो तीसरी लहर 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है। हमें टीकाकरण होने तक एक और बड़ी लहर को रोकने के लिए आक्रामक तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड हॉटस्पॉट में आक्रामक निगरानी और संक्रमण के मामलों में अधिक वृद्धि होने पर लॉकडाउन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी क्षेत्र में मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और संक्रमण दर 5% से अधिक होती है, क्षेत्र विशेष लॉकडाउन और रोकथाम उपायों को लागू किया जाना चाहिए।